गाइस हमारा दो रात जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है एंड या अभी हमने सामान जो है वो रखा हुआ है चेकआउट के लिए. अब हम यहाँ पर कुछ खाना बनाएंगे एंड देन खाएंगे एंड देन दूसरी लोकेशन के लिए निकलेंगे. तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड इट्स सुपर फन टुडे. वी गेट सीन देखो गाइस एकदम देसी स्टाइल में कॉफी बन रही है फेट के. और ये देखो मैगी खाओ मैगी. और ये देखो मजा ही आ जाए. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. और इस पार्ट में जैसा आपने कल वाला पार्ट देखा ही होगा आज हम लोग ग्रिंडेलवाल्ड एक्सप्लोर करेंगे जो कि ग्लेशियर विलेज है. स्टार्ट जो कि आपको पता ही होगा हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड सारे सेलिब्रिटी वहां जाते हैं वो एक बहुत अच्छी जगह है. हॉलीडे डेस्टिनेशन है फॉर रॉयल्टी एंड सेलिब्रिटी. और बॉलीवुड लोकेशन लाइक सानिन हो गया जुशमान हो गया. और उसके बाद ये डे जो है वो थोड़ा सा फन वाला तो है ही है और बहुत सारी जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और ड्राइव करने वाले हैं. उसके अलावा थोड़ा सा सैड भी है क्योंकि आज हम लोग वापस जाने वाले हैं. तो लेट्स एक्सप्लोर. शुरुआत हो गई है थोड़ी सी लो शुरुआत हुई है क्योंकि बहुत थके हुए हैं हम दोनों. आंख देखो लाल हुई पड़ी है और आई डोंट नो रात को पार्टी भी हो गई है. रात को पार्टी भी हो गई तो ज्यादा नहीं चलवाने में भी यहाँ चलना पड़ता है. तो हम लोग जा रहे हैं ग्रिंडेलवाल्ड. कुछ टिप्स देना चाहोगे दीपक चलते चलते? चलते चलते टिप्स और ट्रिक्स यही है कम से देखो यार पैसा बचाना सबको अच्छा लगता है. हॉस्टल में रुको वही बनाओ खाना और फ्री पार्किंग मिल जाती है. गाड़ी रेंट पे ले सकते हो तो वो ले लो वो चीपर है क्योंकि यहाँ पे अगर स्विट्जरलैंड में घूमना है तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा. ट्रेन्स के पास है और ग्रुप में घूमो मज़ा आएगा. बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो हॉस्टल में क्योंकि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल जाते हैं. हमको भी इंडियंस मिले देन इंडियंस के अलावा जर्मन्स भी मिले. बहुत सारे लोगों से हमारी वहाँ बातचीत हुई तो एक कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है. प्लस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ किचन बिकॉज ऑफ आप वहाँ कुछ भी कर सकते हो. इतना सारा स्पेस है कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकते हो. तो यस दैट्स अबाउट. और पार्किंग हाँ हम लोगों को पार्किंग भी फ्री मिल गई क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं है तो हमें पार्किंग भी फ्री मिल गई. तो गाइज जहाँ पर हम खड़े हैं उस जगह का नाम है ग्रिंडेलवाल्ड. हाँ मेरी थोड़ी एनर्जी कम है मैं तुम्हें बता रही हूँ. तो ग्रिंडेलवाल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी माउंटेनर्स होते हैं और विजिटर्स होते हैं वो लोग मिलते हैं. चाहे आप गर्मी में आओ या ठंड में आओ इट्स वर्थ टू विजिट हियर एज पर इनकी वेबसाइट पर ऐसे ही लिखा है. और जितने भी माउंटेनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यहाँ आके मिलते हैं और बहुत सारे विजिटर्स आते हैं अराउंड द वर्ल्ड से. कैसा लगा व्यू आप लोगों को?
लोग हैं ग्रिंडलवाल। ग्रिंडलवाल जैसा मैंने आपको बताया एक ग्लेशियर विलेज है, जो लास्ट पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था गिमलवाल। गिमलवाल एक डिफरेंट जगह है और ग्रिंडलवाल एक डिफरेंट जगह है, बट बिकॉज ये इंटरलाकेन से बहुत ज़्यादा पास है तो आप लोगों को यहाँ पर भी आना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल कर रहे हो। इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रिजॉर्ट इन द यंगफ्राउ रीजन। यंगफ्राउ तो आपको पता ही होगा टॉप ऑफ यूरोप है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्विट्जरलैंड में। ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, जो हम लोग यहाँ पर आए तो ही हमें पता चल गया। और यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड की शूटिंग भी हुई है, आप लोग गूगल कर सकते हो, हम लोगों ने तो गूगल करके देखा था। और आप लोग और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक आप गंडोला या केबल कार लेकर ग्रिंडलवाल फर्स्ट जा सकते हो, जो अराउंड 2168 मीटर पे है, जिसका टिकट एडल्ट का अराउंड 64 स्विस फ्रैंक होगा और चिल्ड्रन का अराउंड 32 स्विस फ्रैंक होगा। घूम सकते हो जैसे बॉच हुआ, स्ट्रैकफेल्ड हुआ, और फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वहाँ पर जो क्लिफ वॉक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पैनारोमिक वॉकवे जो है वो बहुत फेमस है। फर्स्ट फ्लायर जो है वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, वो है। पैराग्लाइडिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो दैट्स द मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू गाइस। टीडे एलजे वाली गाय वैसे तो नहीं मिली पर यहाँ ज़रूर मिल गई, याद है आप लोगों को। एंड बिकॉज इस दिन हम दोनों की एनर्जी बहुत कम थी तो हमें थोड़ा कैफीन चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने कॉफ़ी पी जो कि हमने सुपरमार्केट से खरीदी थी, कुछ सामान और खाने पीने का खरीदा और इस व्यू के साथ एंजॉय किया। तो गाइस नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है, स्टार्ट पड़ रहा है, नहीं हम जा रहे हैं, मतलब आप लोगों के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और हम लोगों के लिए भी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो लेट्स गो टू स्टार्ट। हमने रास्ते में ये व्यू देखा, फिर हमें लगा कि नहीं यार ये व्यू तो हम लोगों को कैप्चर करना ही चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके और ये व्यू कैप्चर किया। फर्स्ट टाइम यूरोप में ट्रेन के लिए रुके हम ये चुंगी पे। चुंगी बोलते हैं? अच्छा हाँ, ये उस किसी और ने भी मुझे बोला था चुंगी। मैंने बोला था चुंगी उसे बोलते हैं चुंगी। चुंगी से ट्रेन निकल गई थी पर अब हम भी जाएंगे, फाटक खुलेगा, फाटक गेट खुल गया फाटक। और अब हम स्टार्ट पहुंच गए हैं और ये कॉइन, हाँ इसमें कॉइन, इसमें सर मैक्सिमम 2 घंटे की पार्किंग है, फिर 2 घंटे और आके शायद फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है 3.5 तो 2 घंटे की पार्किंग यहाँ पर है 3.50। स्टार्ट स्टार्ट एक अपस्केल रिजॉर्ट टाउन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, माउंटेन से घिरा हुआ है और ये विंटर्स पे और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। ये पर्टिकुलर स्ट्रीट जो आप देख रहे हो ये एक ही स्ट्रीट है यहाँ पर और ये बहुत फेमस है बिकॉज यहाँ पर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे और आप शॉप कर सकते हो। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर
बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, चाहे वो हॉलीवुड के हों चाहे वो बॉलीवुड के हों, या बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं अपनी हॉलीडेज़ के लिए। और आपने बहुत सारे पिक्चर्स ज़रूर देखे होंगे लास्ट ईयर के, न्यू ईयर के, जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो हमने भी उस जगह चाय और खाना खा ही लिया जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है मैंगो रेस्टोरेंट। यहाँ पर वो जो सूट पहन के सब लोगों ने जो फोटो खिंचाई थी वो यहाँ पर फोटो खिंचाई थी। यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी होगी आपको, और इसमें 45 मिनट का फेशियल ग्लो 150 फ्रेंक का है, बता देता हूँ। तो अगर आप लोग नेक्स्ट न्यू ईयर पे यहाँ पर प्लान कर रहे हो और अगर हम लोगों ने आपको ये जगह बताई है तो आप नीचे कमेंट जरूर छोड़ना हम लोगों के लिए। फिर हम लोग बीच में रुके सानन में। दीपक, ये वो जगह है जो हमने जो मूवी, मतलब इतना सही दिखता है ये जगह और अभी भी इतनी अच्छी दिख रही है। वो जो मूवी में वो सीन देखा था ऐसा लगा था यार कभी जाने को मिले यार ऐसी जगह यार। हमारे वहाँ खड़े हैं, देखो देखो इन्फो बॉक्स पे भी सब सारी देखो कि कौन कौन से सीन शूट हुए हैं यहाँ पर, वो सब लिखे हैं। ट्रेन वाला सीन हुआ है शूट, वो वाला जो छूटता है वो, और एक गाने का जो है वो तीन शूट हुए। ओह, ओह तो चार। फिर उसी के थोड़े पास था जुशिमैन, वहाँ पर हम लोग रुके और वहाँ पर भी हम लोगों ने शूट किया। जो लोकेशन और बॉलीवुड लोकेशन DJLG का पूरा वीडियो है वो अलग से बनाऊंगी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आए। ये सिर्फ ट्रिप डिटेल्स थी कि हम लोग डे 3 में कहाँ कहाँ गए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दीपक, कैसा फील हो रहा है? मजा आ गया भाई, मतलब ऐसी ऐसी जगह शायद हम कभी नहीं आते। फिर क्या, हमारी गाड़ी बड़ी बैक टू जर्मनी। आई डोंट नो गाइस, मैं आप लोगों से क्या बोलूं, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने में। और भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली हैं उनसे शेयर करना, और ये सुंदर सुंदर चीज़ें यूरोप के बारे में देखते रहना। तो गाइज, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपने हॉस्टल का पूरा टूर देने वाली हूँ। मैं भूली नहीं हूँ DJLG की सारी लोकेशंस का आपको व्यू देने वाली हूँ, और भी जो लोकेशंस यहाँ पर शूट हुई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। टिल द टाइम बाय बाय। अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। दिस इज इन स्विट्जरलैंड जरूर चेक करना, अगर इस ट्रिप को फॉलो करो। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।